What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 3rd November 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:26 हो रहा है। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। यूएस में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट एज पर इंडियन टाइम्स के हिसाब से कल सुबह वोटिंग का जो काउंटिंग है वो शुरू होगा। तो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट इस समय देखने को मिल सकता है। निफ्टी में अगर डेली चार्ट देखिए तो काफ़ी बॉडी का जो साइज है वो काफ़ी छोटा है कंपेयर टू शेडो, तो एक साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 2nd November आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको ट्रेस करना है, ट्रैक करना है, तो यहाँ पर ऊपर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,686 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,559। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कल शुरू में ही एग्जैक्ट हमारा जो ब्रेकआउट लेवल हमने मार्क किया था उसी के पास इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ से जब यह टूवर्ड साउथ की तरफ आया तो जो ब्रेकडाउन लेवल हमने यहाँ पर मार्क किया था उसी के पास एग्जैक्ट इसने सपोर्ट टेस्ट किया। उसके बाद काफ़ी साइडवेज पैटर्न में मार्केट मूव हो रहा था, और लास्ट आवर में ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 11,708 अचीव हुआ, सेकंड टारगेट भी ऑलमोस्ट यहां पर अचीव होता हुआ दिखाई दिया। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16 पॉइंट्स का यहां पर ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते हो अराउंड 12,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। यह था कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। यूरोपियन बाजार में फिर से एक बार हरे निशान में मार्केट देखने को मिल रहा है, लेकिन हालांकि ये रिकवरी है, काफ़ी एक महीने से यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है। एशियाई बाजार भी हल्की सी तेजी के साथ इस समय ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर देखें तो अभी ज़बरदस्त मजबूती के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एशियाई बाजारों के लिए एक पॉजिटिव संकेत यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। हमने यहाँ पर देखा लास्ट चार वीक से ये एग्जैक्ट 11,930 के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है। 12,000 को इसने 2-3 बार अटेम्प्ट किया ब्रेक करने का, लेकिन वहाँ पर पेनेट्रेट होकर, उस लेवल के पास पेनेट्रेट होकर ये फिर से साउथ की तरफ आया। तो अभी ये जो जोन बना है यहाँ पर ऊपर 11,930, नीचे 11,500, इसके बीच में ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अभी एक ही दिन हुआ इस वीक का, अगर ये फिर से एक बार 11,930 के ऊपर क्लोज देता है, 12,000 के ऊपर चला जाता है, तो ही हमें यहाँ से अपसाइड मूव कंटिन्यू होते होते दिखाई दे सकती है। अदरवाइज 11,500 ब्रेक करने के बाद ये नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर 20 EMA का होगा एज पर वीकली चार्ट। ये 11,284 के पास आ रहा है, तो ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है, एक ओवरऑल व्यू ट्रेंड यहाँ से हमें देखने को मिलता है। चलते डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट को अगर ध्यान से देखें तो जो कैंडल्स बन रही है लास्ट 3 दिन से, तो उसके हिसाब से तो हम यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मार्केट साइडवेज पैटर्न में घूम रहा है। जो शैडो है उसके कंपेयर में बॉडी को कंपेयर करें तो बॉडी का साइज काफ़ी छोटा बन रहा है, शैडो काफ़ी लंबी बन रही है, यानी जहाँ पर ओपन हो रहा है उसी के पास आके ये क्लोज हो रहा है। इनसाइड बार ट्रेडिंग भी बना है, यानी प्रीवियस डे का हाई और जो लो है उसी के बीच में कल मार्केट ये ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो अभी यहाँ पर कैंडल भी देखे तो हैमर जैसा कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो ये रेंज हो गया अभी ऊपर 20 EMA यानी 11,725, और नीचे ये 50 EMA का ब्लू लाइन जो है ये 11,534 के पास है। तो यहाँ पर 38.2% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी आ रहा है, तो डबल सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 11,500 के नीचे कम्प्लीटली अगर ये सस्टेन करता है तो ही 11,400 के हमें लेवल्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। अदरवाइज इलेक्शन जो है यूएस का, उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। अगर ट्रंप फिर से एक बार आते हैं तो यहाँ से हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये फिलहाल डेली और वीकली चार्ट का सीनारियो हमें देखने को मिला। चलते 60 मिनट के चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। डेली चार्ट में हमने देखा एक हैमर जैसा कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। अगर इसे 60 मिनट के चार्ट में लाइन चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ राइजिंग बॉटम्स बन रहे हैं। ये देखिए 120 मिनट यानी 2 आवरली चार्ट में देखें तो कम्प्लीटली यहाँ पर एक W पैटर्न देखने को मिलता है इस तरह से। ये W पैटर्न, राइजिंग बॉटम्स भी बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 20 EMA और 50 EMA का हर्डल है।
पैटर्न तो बना है लाइन चार्ट में, लेकिन ऊपर जाते वक्त ये दो मेजर हर्डल्स है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में जबरदस्त फिर से एक बार तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ से ये हर्डल जहाँ पर है यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ आते हुए हमें दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल पैटर्न लाइन चार्ट में तो बुलिश पैटर्न बना है, ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न बना है, लेकिन ऊपर ये दो हर्डल्स यहाँ पर काम कर सकते हैं एज ए रेजिस्टेंस। तो आज के लिए क्या निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो लेवल है निफ्टी में जहाँ से ये ज़बरदस्त फॉल हमें देखने को मिला था यानी 11,727 के पास एक रेजिस्टेंस है, उसको अगर ब्रेक करता है निफ्टी इंडेक्स तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल जो कि 11,744 के पास है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,758, एक छोटा सेकेंड टारगेट होगा हमारा। और अगर टूवर्ड्स निफ्टी साउथ की तरफ चला जाता है तो पिवट पॉइंट को ब्रेक होने दीजिए, और उसके बाद ये जो कल इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ है उसका ये जो लो पॉइंट है 11,635 भी अगर ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,618, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 11,600, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।